देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है। 15 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। डिलीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द ये होते ही सारी पार्टी एकदम से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को बूश करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा 2018 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी ने पार्लियामेंट के अंदर पास किया था वो एक कम्प्लीटेड बहुत बड़ा इनलीगल और बहुत बड़ा स्कैम है। ये कई सारे घोटालों का एक बहुत बड़ा गुच्छा है जिसमें सिर्फ बीजेपी को ही कई हजारों करोड़ का फायदा मिल रहा है। उन्हें 2024 के चुनाव के अंदर अनफेयर एडवांटेज देगा। बीजेपी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू ओपोजिशन पार्टी की फंडिंग रोक रही है और इन सब के हाथ काट रही है। खुद कांग्रेस वालों ने यह आरोप बीजेपी पर लगाया, यहाँ तक कि उनके अकाउंट को भी फ्रीज करके रखा गया है। वी डोंट हैव मनी टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वी डोंट हैव मनी टू पे सैलरीज टू आवर एम्प्लॉई। पूरे इलेक्ट्रोड बॉन्ड के अंदर डोनेट हुए पैसे जिसमें से 60% अमाउंट बीजेपी के पास मिलता है, बाकी का 40% दूसरी पार्टियों के अंदर कम्बाइंड मिलाकर दिया गया है। बीजेपी चंदा दो और धंधा लो ऐसी लूट मार कर रही है। चंदा दो धंधा लो, ये तो पहला सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। चंदा दो धंधा लो। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए बीजेपी यानी काला बाजारी ब्लैक मनी मार्केटिंग को बढ़ा रही है और उल्टा एक एक्सटर्शन रॉकेट भी चला रही है जिसमें कंपनियों को साफ साफ धमकाया जा रहा है कि अगर आपने बीजेपी को डोनेशन नहीं दिया तो उनके पीछे ईडी या सीबीआई को छोड़ दिया जाएगा। दूसरा रास्ता है हफ्ता वसूली। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। और एक तरफ बीजेपी ये बात बोल रही है ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है जो कि काला बाजारी को समाप्त करने के लिए लाया है। तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे, ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। जब ये एक्ट 2017 में पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया था ये एकमात्र ऐसा एक्ट था जिसमें सारे ओपोजिशन पार्टी वाले और पार्टी वाले सब लोग शामिल थे। किसी भी पार्टी ने इस एक्ट का कोई भी विरोध नहीं किया था, ये फुल मेजोरिटी के अंदर इस एक्ट को पास किया गया था। आज ये माहौल आप देख रहे होंगे कि हर तरफ विरोध छाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बीजेपी की साइड से एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्या मतलब यह है कि हम चाहे किसी को भी वोट कर ले या फिर कोई भी पार्टी आए, देश के अंदर जो भी बड़े डिसीजन होते हैं ये बड़े बड़े इंपोर्टेंट बिजनेसमैन ही लेते हैं। हम लोगों का तो वोट सिर्फ अंगुलियों के ऊपर इंक लगाने तक ही वैलिड रहता है। 2018 से लेकर 2024 तक ये बिल 6 सालों के लिए चला था, लेकिन 2024 में इलेक्शन के जस्ट पहले सीपीआई मासिक पार्टी यानी इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को इनलीगल बताते हुए उसके ऊपर केस फाइल कर दिया। फिर 15 फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को इसे अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया गया। पार्टी की फंडिंग सेंसिंग सिर्फ ओपोजिशन नहीं बल्कि आम जनता भी इसे देख नहीं पा रही थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फंडिंग लिस्ट को पब्लिकली कर दिया था। सिटीजन के फंडामेंटल राइट को देश की पॉलिटिकल से इसे आगे रखा था, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि लेने देने वाली पॉलिटिक्स आज तो हर कोई करता है और ये हमेशा से ही होती आई है। अगर लड़ाई कीचड़ के अंदर ही हो तो सभी को कीचड़ के अंदर ही उतरना पड़ेगा। आप एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना, आखिर किस पार्टी ने इस मर्फी सिस्टम में रहकर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया? आप लोग खुद से सर्च करना, डाटा निकालना और स्टडी करना, उसके बाद अपना बहुमूल्य कीमती वोट फिर जाकर किसी को देना। और आप लोगों को क्या लगता है इन 10 सालों की राजनीति के अंदर भारत को सबसे ज्यादा किसने आगे बढ़ाया? और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दे सकते हैं। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।